अगर आप ये ट्यूटोरियल सही से फॉलो करते हैं और मेथडोलॉजी को समझते हैं जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली आपकी कंपोजिशन भी बिल्कुल भी डिंगी फिडी नहीं होगी और वैसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि आपकी रेफरेंस इमेज में होगा। और बिलीव मी, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो या आप ड्राइंग कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो कंपोजिशन होती है। अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो आपकी पेंटिंग में चाहे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल पर मैं पेंसिल ड्राॅइंग्स, पेंटिंग या कैलीग्राफी के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से, कि हमने देखना है कि बिगर कैनवस पे हमने ग्रिड मेथड से इमेज को ट्रांसफ़र कैसे करना है। अब देखें, जब बात आती है कि हमारे पास, अगर हम मोबाइल स्क्रीन से बना रहे हैं तो इतनी सी स्क्रीन होगी तो हम देख देख के इतने बड़े कैनवस पे उसको एक्यूरेटली नहीं ड्रा कर सकते। इसके लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको इजी कर देते हैं। इजी कैसे, कि हम उस इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे पार्ट्स को जब बड़ा करके यहाँ पे इंडिविजुअली ड्रा करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रा होती है। इस मेथड को कहते हैं ग्रिड मेथड। अब बहुत से लोगों ने ना यूट्यूब पे इसको बहुत मुश्किल करके बताया हुआ कि ये इतना मुश्किल होता है, इसको ऐसे ड्रा करना चाहिए, इतनी लाइंस हों, इतनी लाइंस हों। आज की वीडियो में आपने ये फोकस नहीं करना कि लाइंस कितनी हों, ये हो वो हो, आपने सिर्फ और सिर्फ मेथड को फोकस करना है कि एक्चुअली करना कैसे है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ये मेथड कैनवस पे भी अप्लाई होता है, अगर आप पेपर पे ड्रा कर रहे हैं तब भी अप्लाई होता है, अगर आप इस साइज़ से कम, ज़्यादा या जैसे भी ड्रा कर रहे हैं ये अप्लाई होता है। बस आपको मेथडोलॉजी का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैनवस जो है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है और उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो कैनवस मौजूद है, बाय द वे ये कैनवस मैंने खुद बिल्ड किया है, इसको प्राइम भी मैंने खुद किया है। अगर आप देखना चाहें कि कैसे बिल्ड किया और कैसे प्राइम किया है तो पिछली दो वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो ये कैनवस जो है ये है 20 इंचेस बाय 30 इंचेस का। अब इसकी एस्पेक्ट रेशियो ये है 2:3। एस्पेक्ट रेशियो वो होती है कि जो हम उसकी लेंथ और विड्थ को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं कि वो अगेन किसी भी हिस्से पे डिवाइड ना हो। जैसे 20 और 30 दोनों पे 10 डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो है 2:3। अब सपोज़ हमारे पास कोई कैनवास है 18:24 इंचेस का, इसका मतलब ये है कि 18 पे 6 डिवाइड होता है और 24 पे भी, इसका मतलब है कि उसकी एस्पेक्ट रेशियो है 3:4। इसी तरह मैं कुछ कैनवासेस की एस्पेक्ट रेशियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और अगर आपके पास कोई और कैनवास है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या कुछ कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। अब हमें यह पता चल गया कि हमारा जो कैनवस है उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है। सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये कि हम रेफरेंस इमेज को उसी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से क्रॉप करेंगे। जैसे मेरे पास ये रेफरेंस इमेज है जो कि इस कैनवस से हो सकता है बड़ी, ज़्यादा लेंथ में बड़ी हो, विड्थ में बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमने सबसे पहले उसकी लेंथ और विड्थ की रेशियो जो है वो सेम करनी है। ये आप किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं बेसिक एप्लीकेशन से, या आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में तो आप डायरेक्ट 20 और 30 लिखेंगे क्रॉप सेक्शन में जाके, तो वो खुद ही आपको क्रॉप करके। अब हमारे पास इमेज और कैनवस के जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम हो गई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एस्पेक्ट रेशियो अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो होगा क्या, अगर इमेज की विड्थ ज़्यादा है, आपके कैनवस की विड्थ कम है और आप उस इमेज को इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो होगा क्या, जो आपकी पेंटिंग बनेगी वो ऐसे श्रिंक हो जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे उसको ऐसे खींच दिया गया हो, लंबूतरी जिसे कह सकते हैं कि इमेज बन जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते, हम बिल्कुल वैसी इमेज बनाना चाहते हैं। सो पहला स्टेप कि एस्पेक्ट रेशो आपने उसी हिसाब से क्रॉप कर लेनी है रेफरेंस को। उसके बाद दो स्टेप आप कर सकती हैं। पहला स्टेप ये कि आप उस इमेज का प्रिंट आउट कर लें और प्रिंट करने के बाद आप उस पर ग्रिड बना लें पेंसिल के साथ और फुट के साथ। या दूसरा मेथड ये है कि आप मोबाइल में ही कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें,
मैं जो के आईफोन यूज़ करता हूँ, तो मैं करता ये हूँ कि वो पेंटिंग ग्रिड नाम से, या आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, इसमें जाके मैं लिख देता हूँ कि इतने मुझे कॉलम चाहिए, इतने मुझे रोज़ चाहिए। रोज़ इस साइड पे जो लगती हैं वो रोज़ कहलाती हैं, जो इस साइड पे लगती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं। ये इमेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी इमेज जितनी ज़्यादा डिटेल्ड होगी, आपके जो ग्रिड हैं वो उतने आप छोटे बने। लेकिन अगर आप ज़्यादा छोटे ग्रिड बना लेते हैं तो आपको बहुत दुश्वारी आ सकती है कि आप सपोज़ यहाँ पे एक ग्रिड है, यहाँ पे आप बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, याद रखना मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा लाइंस होंगी। आज की वीडियो में हम करने ये वाले हैं, क्योंकि ये 20 इंच और 30 इंचेस है, तो मैं ये करूँगा कि 2-2 इंचेस पे मैं चाहूँगा कि निशान आ जाए, वो काफ़ी है मेरे लिए। अगर 2-2 इंचेस पे निशान लगाऊँ तो इस तरफ से मुझे 10 लाइंस चाहिए, 10 खाने, और इस साइड पे मुझे 15 चाहिए। तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे रोज़ चाहिए 15 और कॉलम चाहिए 10, वो उस पर ग्रिड बना देगा और आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आप 20 20 कॉलम बना लें, 30 रोज़ बना लें। अब देखें, अब यहाँ पे आप 30 रोज़ बना लेते हैं, 21 22 23, और जब आप डिटेल में उसमें बनाना शुरू करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। तो आप ना ज़्यादा कम बनाएं ना ज़्यादा बनाएं। मैं यूजुअली ऐसे ही बनाता हूँ, 2 इंचेस पे या 3 इंचेस पे एक लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद करना यह है कि इमेज पे आप जो वो खाने बनाए हैं वो फोटोशॉप में जाके या किसी और एप्लीकेशन में जाके उनकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आपके पास रेफरेंस पे ग्रिड बन चुके हैं। अब आपने करना यह है कि आप यहाँ पे 2-2 इंचेस पे निशान लगाएं, इधर भी 2 इंचेस पे, तो यहाँ 15 और यहाँ 10 लाइन्स लगा के यहाँ पे ग्रिड बना लें, और यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। चूँकि मैं बड़े कैनवास को यूज़ करता हूँ इसलिए मैं स्केल का यूज़ कम करता हूँ, लेकिन इंची टेप का यूज़ ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये इसको एक ही बार में खोल के हम निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्केल है तो इससे भी निशान लगाया जा सकते हैं। पहले मैं स्केल से निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है वो इमेज जिस पे जिसके एस्पेक्ट रेशो भी सेम है और जिस पे सेम ग्रिड बने हुए हैं। ये देखें, 10 यहाँ पे कॉलम है और 15 रोज़ हैं। तो हमने इसको जूम कर लेना है। अब बात ये आती है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। यूजुअली मैं जो स्टार्ट करता हूँ, मैं टॉप से शुरू करता हूँ और नीचे की तरफ बनाता रहता हूँ। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आँख से शुरू कर लें, कान से शुरू कर लें, कहीं से भी। तो जैसे कि आप ये देखें, जूम कर लेंगे तो ये अब दूसरे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि जो कान है वो दूसरे के यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं पता है कहाँ क्या चीज़ देखता हूँ, जब मैं ग्रिड बनाने लगता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ये जो लाइन है वो कहाँ से क्रॉस हो रही है। ये देखें, ये अब ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के ऐसे क्रॉस हो रही है, नीचे आ रही है, फिर इसने क्रॉस करना है मिड से थोड़ा इस तरफ, मिड यहाँ होगा यहाँ पे, तो कान इधर से ऐसे होगा, इधर से ऐसे कर्व है, और ये देखें। अब दूसरी साइड से इसने इस कॉर्नर को क्रॉस करना है और यूँ आना है थोड़ा सा गोल। नीचे इसने क्रॉस करना है यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा, मिड वाली लाइन से यूं। इसने क्रॉस करना है इधर और
इधर से यहाँ पे आप डार्क एरियाज और लाइट एरियाज को भी आपने शेड करते आना है साथ साथ। जैसे ये वाला डार्क एरिया है, अब मिड से थोड़ा ऊपर और इस तरफ यूं, और इसने जाना है इधर तक, ये सारा शेडेड एरिया। अब ऊपर वाला कॉर्नर इसने मिड में तकरीबन, ये देखें मिड में इसने क्रॉस करना है यहाँ पे, और आगे से थोड़ी सी कर्व है यूं। अब हम आगे चलते हैं, ये कॉर्नर से होता हुआ इसने आना है तकरीबन मिड यहाँ पे है, इसने तकरीबन इधर आना है और ये होगा इधर से। तो अब मैं इसको करता हूँ टाइम लैप्स। तो ऐसे ही एक एक लाइन को, एक एक बॉक्स को देख के आपने बनाते जाना है, और ये फिनिश रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सेम ही कॉपी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो स्केचिंग तो हो गई है कंप्लीट। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना लिया है ना, नहीं, इसको बनाने में कम से कम मुझे 3 घंटे तो लगे ही लगे हैं। मैं इसको बिल्कुल लाइट ले रहा था, लेकिन ये वाली इमेज बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, स्पेशली ये जो स्ट्रिप्स हैं या ये जो मेटल के पार्ट्स हैं, इनको बनाने में जब मैं पेंट करूँगा तब पता चलेगा मुझे कि क्या। अगर आप ये ट्यूटोरियल सही से फॉलो करते हैं और मेथडोलॉजी को समझते हैं जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली आपकी कंपोजिशन भी बिल्कुल भी ढींगी फिरी नहीं होगी, और वैसा ही आप ड्रॉ कर सकती हैं जैसा कि आपकी रेफरेंस इमेज में होगा। और बिलीव मी, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो या आप ड्राइंग कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो कंपोजिशन होती है। अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो आपकी पेंटिंग में चाहे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आपने डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपके आप भी कोई क्वेश्चंस हैं तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।